प्लांट ब्रीडिंग का फर्स्ट लेक्चर है कॉन्सेप्ट नेचर ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। सबसे पहले प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन की बात करें तो ये एक आर्ट एंड साइंस है जिसमें हम प्लांट्स में जेनेटिक इम्प्रूवमेंट्स करते हैं। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट्स का मतलब ये है कि प्लांट्स के जीनोम में हम लोग नए बेनिफिशियल जीन्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि हम उन्हें इकोनॉमिकली मोर बेनिफिशियल बना सकें, यानी कि जो प्लांट्स हैं उनसे हम ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकें, फार्मर्स को ज्यादा बेनिफिट हो सके। उसके बाद नेचर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो प्लांट ब्रीडिंग का जो नेचर है वो आर्टिस्टिक भी है एंड साइंटिफिक भी है। अगर हम ओल्ड टाइम की बात करें जब ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ था तो उस टाइम पे जो फार्मर्स थे उनको साइंस का ज्यादा नॉलेज नहीं था, उस टाइम वो क्या करते थे, आर्ट का जो यूज है वो सबसे ज्यादा करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे प्लांट ब्रीडर्स का जो नॉलेज था वो इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे जो आर्ट है उसका यूज कम होता गया और जो साइंस है उसका यूज बढ़ता गया। तो आजकल जो हम लोग प्लांट ब्रीडिंग यूज करते हैं उसमें साइंस का यूज ज्यादा होता है और आर्ट का यूज कम होता है। तो ओल्ड टाइम में जो प्लांट ब्रीडिंग है वो आर्टिस्टिक ज्यादा थी और साइंटिफिक कम थी। लेकिन अगर हम एट प्रेजेंट डे की बात करें तो आजकल जो प्लांट ब्रीडिंग है वो साइंटिफिक ज्यादा है और आर्टिस्टिक कम है। अब इस पे क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। प्लांट ब्रीडिंग पर दो नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। उसके बाद नेचर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर दो नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका जो नेचर है मैंने आपको बताया है वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आया हुआ है, प्लांट ब्रीडिंग इज एन डैश 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 एंड साइंस, तो यहाँ पे आ जाएगा आर्ट एंड साइंस। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग की अगर अपने बात करें तो कई ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर होते हैं जिसके लिए हम लोग प्लांट्स में ब्रीडिंग करवाते हैं। तो सबसे पहले है मोर यील्ड। यील्ड जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने के लिए ही हम लोग प्लांट्स के अंदर ब्रीडिंग करवाते हैं। जितनी भी क्रॉप वैरायटीज नई नई डेवलप की जाती हैं उन सब में प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा पर हेक्टेयर जो यील्ड है वो हमें प्राप्त हो सके और फार्मर्स को ज्यादा उसका बेनिफिट मिल सके। उसके बाद है मोर क्वालिटी। कोई भी क्रॉप है उसका जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए ताकि मार्केट के अंदर फार्मर को उसका ज्यादा प्राइस मिल सके। इसके अलावा रेजिस्टेंट वैरायटीज की हम लोग बात कर लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं जो क्रॉप के पोटेंशियल को कम कर देते हैं, जिससे यील्ड भी कम हो जाती है और क्वालिटी भी कम हो जाती है। तो ये कौन कौन से स्ट्रेस हैं और इनके अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंट वैरायटीज को डेवलप करना होता है, यही हमारा एक ऑब्जेक्टिव इसमें रहता है। तो जैसे सबसे पहला है इंसेक्ट रेजिस्टेंस, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो कि क्रॉप को डैमेज करते हैं तो उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज को डेवलप करना हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। दूसरा है डिजीज रेजिस्टेंट, तो बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो क्रॉप्स के अंदर स्प्रेड होती हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस होता है, तो इनके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट वैरायटीज को डेवलप करना होता है। उसके बाद आता है कोल्ड रेजिस्टेंट, तो लो टेम्परेचर जो है वो भी क्रॉप की यील्ड को कम कर सकता है और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको कम कर सकता है, इसलिए हमें इसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट वैरायटीज को डेवलप करना होता है। उसके बाद ड्रॉट रेजिस्टेंस, अगर मान लीजिए क्रॉप को इरिगेशन ना मिले या इरिगेशन बहुत कम मिले या फिर रेनफॉल जो है वो बहुत ही कम हो, तो उस कंडीशन में जो क्रॉप प्लांट्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से हमारी जो क्रॉप यील्ड है वो कम हो जाती है, इसलिए हमें ऐसी वैरायटीज को डेवलप करना होता है जो ड्रॉट को टॉलरेट कर सके। उसके बाद नेक्स्ट है अर्ली मैच्योरेशन, तो जो मैच्योरेशन है वो कम पीरियड के अंदर हो, ऐसी वैरायटीज हमें डेवलप करनी होती है प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। इसका बेनिफिट क्या होता है, जो लेट सीजन में आने वाले इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स हैं उनसे प्रोटेक्शन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारा है सिंक्रोनस ग्रोथ, तो क्रॉप प्लांट्स जो है वो एक ही टाइम पर मैच्योर होने चाहिए, एक ही टाइम पर उनमें फ्लावरिंग हो और एक ही टाइम पर उनमें फ्रूट्स जो है वो मैच्योर होने चाहिए ताकि हम एक ही टाइम पर हार्वेस्टिंग कर सकें और पूरे का पूरा जो प्रोडक्शन है वो एक ही टाइम पर ले सकें, तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव इसके अंदर रहता है। अब इस पे क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज, तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, मोर यील्ड, हाई क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंस, ऑल द अबव, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑल द अबव,
क्योंकि ये तीनों के तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है, तो ये आपको डिस्क्राइब कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग आर हाई यील्ड, क्रॉप इंप्रूवमेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, ऑल द अबव। तो अभी मैंने आपको बताया हाई यील्ड तो है ही है, क्रॉप इंप्रूवमेंट भी है ही है, बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, तो जो डिजीज एंड इंसेक्ट्स हैं उनको बायोटिक स्ट्रेस बोल देते हैं, और जो ड्रॉट है और कोल्ड है इसको एबायोटिक स्ट्रेस बोल देते हैं। तो इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज को डेवलप करना भी हमारा उद्देश्य रहता ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑल द अबव। उसके बाद एक टर्म आती है नोबिलाइजेशन ऑफ शुगर केन, नोबिलाइजेशन ऑफ इंडियन शुगर केन। तो इंडियन शुगर केन जिसका बॉटनिकल नेम है सैक्रम बारबरी, ये बहुत ही लो क्वालिटी का जो शुगर केन है वो प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर जूस का जो कंटेंट है वो भी बहुत ही कम होता है। दूसरी तरफ ट्रॉपिकल शुगर केन है जिसका बॉटनिकल नेम है सैक्रम ऑफिस नेरम। इस ट्रॉपिकल शुगर केन के अंदर जो जूस का कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा रहता है। तो हम लोगों ने क्या किया, जो सैक्रम ऑफिस नेरम के अंदर हाई जूस कंटेंट का जो ट्रेट था या करेक्टर था, इसको हमने ट्रांसफर किया किसके अंदर, सैक्रम बारबरी के अंदर, इंडियन शुगर केन के अंदर। इसके लिए हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। ये क्रॉस कहां पर करवाया गया, शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर कोयम्बटूर पर करवाया गया, और इस क्रॉस से जो ट्रॉपिकल शुगर केन के अंदर हाई जूस कंटेंट का ट्रेट था वो ट्रांसफर हो गया सैक्रम बारबरी यानी कि इंडियन शुगर केन के अंदर, और इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया नोबिलाइजेशन ऑफ इंडियन शुगर केन। तो ट्रांसफर ऑफ हाई शुगर कंटेंट हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव रहता है इस प्रोसेस के अंदर। अब इसमें क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, द क्रॉस बिटवीन सैक्रम बारबरी एंड सैक्रम ऑफिस नेरम इज नोन एज, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नोबिलाइजेशन। नेक्स्ट देखो, ट्रांसफर ऑफ हाई शुगर कंटेंट फ्रॉम ट्रॉपिकल केन टू इंडियन केन इज टर्म्ड एज, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नोबिलाइजेशन। उसके बाद सेमी ड्वार्फ वैरायटीज की हम लोग बात कर लेते हैं। तो राइस या पैडी के अंदर 3 वैरायटीज के नाम जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि इसकी सेमी ड्वार्फ वैरायटीज हैं, डीजीओ भूजन, ताचिंग नेटिव 1 एंड IR8। उसके बाद इन व्हीट व्हीट क्रॉप के अंदर अगर अपने बात करें तो 2 वैरायटीज के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, कल्याण सोना एंड सोनालिका। अब इस पे देखो क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है, डीजीओ भूजन ड्वार्फ जीन फाउंड इन, तो डीजीओ भूजन राइस की वैरायटी है, इसलिए यहां पे आंसर आ जाएगा फर्स्ट राइस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।